पहला क्वेश्चन दिया गया है, गरीबी रेखा से नीचे के लोगों का अनुपात देश द्वारा अनुमानित किया जाता है। इसका आंसर है ए, लोगों की संख्या के अनुपात। गरीबी रेखा के नीचे के लोगों का अनुपात लोगों की संख्या के अनुपात द्वारा अनुमानित किया जाता है। ये अनुपात ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों के लिए अलग से दर्शाया जाता है। रंग राजन पद्धति में वर्ष 2011 से 12 में प्रतिमा प्रति व्यक्ति उपयोग पर अखिल भारतीय ग्रामीण स्तर पर 972 रुपये एवं अखिल भारतीय शहरी स्तर पर 1407 रुपये से कम व्यय करने वाले गरीब व्यक्ति गरीब माना जाता है। नेक्स्ट आपका करंट का क्वेश्चन है, ये उस वक्त का करंट का क्वेश्चन है जिस वक्त पेपर हुआ था। करंट के क्वेश्चन को नहीं देखना है क्योंकि ये दोबारा तो आएंगे नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1919 में किनकी गिरफ्तारी पर लोग जालियांवाला बाग में इकट्ठा हुए। इसका आंसर है टी, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू। पंजाब के दो लोकप्रिय नेताओं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी और ब्रिटिश दमन का विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर के जालियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा बुलाई गई थी, जहां जनरल रेगनेल एडवर्ड हैरी डायर ने निहत्थी भीड़ पर गोलियां चलवाकर लगभग 1000 लोगों की हत्या करवाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष भारतीय वन सेवा की स्थापना हुई। इसका आंसर है बी, 1966 में। भारतीय वन सेवा की स्थापना अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 के अंतर्गत भारतीय वन सेवा नियम 1966 के तहत की गई। हालांकि ये 1865 से लेकर 1935 ईस्वी में ब्रिटिश राज के दौरान अस्तित्व में रही एक ससंगीत भारतीय वन सेवा का केवल एक पुनरुद्धार था। भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के साथ भारतीय वन सेवा तीन अखिल भारतीय सेवाओं में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवस्फीति का अर्थ है। इसका आंसर है सी, सरकार की ओर से एक मौद्रिक हस्तक्षेप के माध्यम से अपस्फीति का सुविचारित व्युत्क्रम। प्रतिवस्फीति के अंतर्गत वे सब क्रियाएं, नीतियां व उपाय आते हैं जो सरकार द्वारा मुद्रास्फीति के वेग को रोकने के लिए किए जाते हैं। अतः ये सरकार की ओर से एक मौद्रिक हस्तक्षेप के माध्यम से अपस्फीति का सुविचारित व्युत्क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंद महासागर कृत्रिम रूप से किस नहर के माध्यम से भूमध्य सागर से जुड़ा है। इसका आंसर है डी, स्वेज नहर से। हिंद महासागर कृत्रिम रूप से स्वेज नहर के माध्यम से भूमध्य सागर से जुड़ा है। इसकी प्रारंभिक लंबाई 164 किलोमीटर थी। भूमध्य सागर और हिंद महासागर को जोड़ने वाली इस नहर के दक्षिणी सिरे पर पोर्ट स्वेज और उत्तरी सिरे पर पोर्ट सईद स्थित है। इस नहर के बन जाने से यूरोप और एशिया के बीच की दूरी काफ़ी कम हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 के अनुसार राज्यसभा की संरचना में निहित है ए, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 12 सदस्य, बी, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकतम 238 प्रतिनिधि। इसका आंसर है बी, ए और बी दोनों ही सही हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 में प्रावधान किया गया है कि राज्यसभा राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित किए गए 12 सदस्य जिन्हें साहित्य विज्ञान कला और समाज सेवा के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव है तथा राज्यों के और संघ राज्य क्षेत्रों में 238 प्रतिनिधियों से मिलकर बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस यातायात संकेत का अर्थ क्या है। इसका आंसर है डी, रास्ता दें। ये चिन्ह मुख्यतः गोल चक्कर से पहले या एक बड़ी सड़क में प्रवेश से पहले लगा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन चिपको आंदोलन के साथ जुड़ा हुआ था। इसका आंसर है डी, ए और बी, सुंदरलाल बहुगुणा और चंद्री प्रसाद भट्ट। चिपको आंदोलन
तत्कालीन उत्तर प्रदेश के चमोली जिले में वर्ष 1973 में प्रारंभ हुआ। यह आंदोलन किसानों ने वृक्षों की कटाई का विरोध करने के लिए किया था। यह आंदोलन प्रसिद्ध पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा, गोविंद सिंह रावत, चंदी प्रसाद भट्ट और श्रीमती गोरा देवी के नेतृत्व में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहले कवि के रूप में किसे श्रद्धेय माना जाता है? इसका आंसर है सी, वाल्मीकि को। भारत में वाल्मीकि को पहले कवि के रूप में माना जाता है। क्रौंच पक्षी के प्रति इनकी गहरी संवेदना की अभिव्यक्ति प्रथम कविता मानी जाती है। इस प्रकार रामायण जैसे प्रथम महाकाव्य की रचना करने के कारण इन्हें आदि कवि के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संरचनात्मक बेरोजगारी के लिए सबसे कम कारण माना जाता है? इसका आंसर है ए, आबादी। हुए बेरोजगारी जो अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है संरचनात्मक बेरोजगारी कहलाती है। आबादी को संरचनात्मक बेरोजगारी के लिए सबसे न्यूनतम कारण माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राष्ट्र सूची के अंतर्गत आता है? इसका आंसर है ए, बाजार और मेले। सातवीं अनुसूची के अंतर्गत केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है। इसमें तीन सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। संघ सूची में आपके 97 विषय हैं, वर्तमान में 100, कुल 66 विषय राज्य सूची में है और वर्तमान में 61। संवर्ती सूची में 47 विषय और वर्तमान में है 52। पुलिस, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, प्रति व्यक्ति कर, गैस, कृषि, कारागार, बाजार और मेले, पंचायती राज और भूमि सुधार आदि राज्य सूची के विषय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन्हें जनहित याचिकाओं की जननी कहा जाता है? जिन्होंने अदालतों में 100 से भी अधिक जनहित याचिकाएं दायर की हैं, जिनमें प्रमुख हैं प्रख्यात भागलपुर अंक फोरवा कांड तथा विचाराधीन कैदी मामला। इसका आंसर है डी, पुष्पा कपला हिंगोरानी। पुष्पा कपला हिंगोरानी को जनहित याचिकाओं की जननी कहा जाता है। वर्ष 1961 में सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाली पहली 4 महिलाओं में से एक थी। विचाराधीन कैदियों की रिहाई के लिए वर्ष 1979 में उन्होंने कोर्ट में जनहित याचिका दायर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा प्रख्याति अध्यादेशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ए, राष्ट्रपति द्वारा घोषित अध्यादेश की शक्ति कानून के समतुल्य ही है। बी, संसद के दोबारा बैठने पर बैठक की तारीख से 3 सप्ताह के बाद अध्यादेश निष्क्रिय हो जाता है। इसका आंसर है बी, केवल ए सही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। इसे संसद के दोनों सदनों या किसी एक सदन के संग में न होने के दौरान जारी किया जा सकता है। इसका प्रभाव संसद द्वारा निर्मित कानून के समान होता है। राष्ट्रपति किसी भी समय किसी अध्यादेश को वापस ले सकता है। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश को संसद के सन शुरू होने के बाद 6 सप्ताह के अंदर अनुमोदित होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि अधिग्रहण पुनर्वास पुनर्स्थान अधिनियम 2013 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व सही है? इसका आंसर है बी, केवल बी। अगर निजी कंपनियां भूमि का बड़ा हिस्सा खरीदारी करती हैं तो उसके लिए पुनर्वास और पुनर्स्थान का प्रावधान होना आवश्यक है। भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 को 1 जनवरी 2014 से लागू किया गया था। यह अधिनियम भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 के स्थान पर लाया गया है, जिसके तहत सार्वजनिक निजी भागीदारी फर्मों द्वारा भूमि अधिग्रहण के मामले में 70% विस्थापित लोगों की सहमति तथा निजी कंपनियों के मामले में 80% विस्थापित लोगों की सहमति आवश्यक है। ग्रामीण क्षेत्रों में मुआवजा बाजार कम मूल्य का 4 गुना और शहरी क्षेत्रों में 2 गुना मुआवजा मिलेगा। रोजगार करवाने वाले लोगों को पुनर्वास भी अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्रोतों में से किसके माध्यम से पौधे आधुनिक हाइड्रोजन प्राप्त करते हैं? इसका आंसर है सी, मृदा जल से।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में अध्याय 4 में निहित है। इसका आंसर है सी, अनुच्छेद 36 से लेके अनुच्छेद 51 तक। भारतीय संविधान की भाग 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है, ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तन नहीं कराया जा सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा कर है जिसकी वसूली सिर्फ राज्य कर सकता है। इसका आंसर है डी, भूमि राजस्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। इसका आंसर है ए, ए और बी दोनों ही सही नहीं है। महाभियोग प्रक्रिया का वर्णन अनुच्छेद 31 में किया गया है। अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद का कोई सदन उस सदन की कुल सदस्य संख्या के कम 2/3 बहुमत द्वारा ऐसा संकल्प पारित कर लगाएगा, और अनुच्छेद 103 के अनुसार दूसरा सदन उस आरोप का अन्वेषण करेगा या कराएगा, और ऐसे अन्वेषण में राष्ट्रपति को स्वयं उपस्थित होने का अथवा अपना प्रतिनिधित्व कराने का अधिकार होगा। ये घोषित करने वाला संकल्प की राष्ट्रपति के विरुद्ध लगाया गया आरोप सिद्ध हो गया है। आरोप का अन्वेषण करने या कराने वाले सदन की कुल सदस्य संख्या के कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक संविधान सभा गृह में हुई, जिसे अब कहा जाता है। इसका आंसर है बी, संसद भवन का केंद्र कक्ष। 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया। संविधान सभा की पहली बैठक संविधान सभा गृह में हुई, जिसे अब संसद भवन का केंद्र कक्ष कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका करंट का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता के अनुसार निम्न में से कौन सा निष्कर्ष सही है। इसका आंसर है सी, दोनों ही सही हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 82 के अनुसार कोई बात अपराध नहीं है जो 7 वर्ष से कम आयु के शिशु द्वारा की जाती है। धारा 84 के अनुसार कोई बात अपराध नहीं है ऐसे जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उसे करते समय चित्त विकृति के कारण उस कार्य की प्रकृति या ये कि जो कुछ वह कर रहा है वह दोषपूर्ण या विधि के प्रतिकूल है, ये जानने में असमर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकपाल एक संस्कृत शब्द है हिंदी में जिसका अर्थ है। इसका आंसर है ए, लोगों की देखभाल करने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर लोक सूचना अधिकारी सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत विनिर्देश अवधि के भीतर सूचना प्राप्ति को सूचना देने में असफल है तो उसे क्या कहा जाता है। इसका आंसर है सी, मानित अस्वीकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदन के अधिकार और विशेषकर उसकी समितियां और सदस्यों के अभिरक्षक है। इसका आंसर है पृथा सिंह अधिकारी के। अनुच्छेद 93 में उपनिहित है कि लोकसभा अपने 2 सदस्यों को ऐतिहासिक अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष चुनेगी। लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पृथा सिंह अधिकारी हैं। लोकसभा की कार्यवाही अध्यक्ष की जिम्मेदारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह आपका करंट का क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित रेगिस्तानों में से हिमालय पर्वत श्रृंखला से निर्मित है वह कौन सा वर्षा छाया रेगिस्तान है जो हिंद महासागर से वर्षा ले जा रहे हैं और बादलों को अवरुद्ध करता है। इसका आंसर है ए, गोबी रेगिस्तान। गोबी रेगिस्तान हिमालय पर्वत श्रृंखला से निर्मित वर्षा छाया रेगिस्तान है जो हिंद महासागर से वर्षा ले जा रहे बादलों को अवरुद्ध करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद का अर्थ ये भी है कि भारतीय नागरिक अथवा दूसरे किसी भी व्यक्ति के साथ भिन्न भिन्न परिस्थितियों में
भिन्न भिन्न तरीके से बर्ताव किया जाएगा। इसका आंसर है पी, अनुच्छेद 14, विधि के समक्ष समता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम राज्यसभा का गठन किस वर्ष हुआ था? इसका आंसर है बी, 1952 में। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसके सदस्यों की संख्या 250 से अधिक नहीं हो सकती, इसका विघटन नहीं होता, बल्कि इसके एक तिहाई सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं। सर्वप्रथम इसका गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। इसकी पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना द्वारा आजाद कराने से पहले गोवा एक प्रदेश था? इसका आंसर है सी, पुर्तगाली। 15 अगस्त 1947 के बाद गोवा पुर्तगाल के अधीन बना रहा। भारत ने वर्ष 1961 में फौज भेजकर गोवा को मुक्त करा दिया। इसके लिए भारत द्वारा ऑपरेशन विजय चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी न्यायिक मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह माना कि पहली शादी के रहते हुए दूसरी शादी करना एक दंडनीय अपराध है, हालांकि इससे दूसरी शादी अमान्य नहीं होगी। इसका आंसर है ए, सरला मुद्गल बनाम भारत संघ। उच्चतम न्यायालय ने सरला मुद्गल बनाम भारत संघ के बाद में यह माना कि पहली शादी के रहते दूसरी शादी करना एक दंडनीय अपराध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न बाजारों में कीमतों या प्रतिलाभ में अंतर से लाभ लेने को डेस कहा जाता है? इसका आंसर है डी, अंतरपणन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चींटियों से हमले से फसलों की सुरक्षा के लिए निम्नलिखित में से किस कीटनाशक का प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर है ए, कपूर। चींटियों के हमले से फसलों की सुरक्षा के लिए कपूर का प्रयोग किया जाता है, इसमें एक तीखी गंध होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और अफगानिस्तान के द्वारा बनाए गए मैत्री बांध का नाम क्या है? इसका आंसर है सी, सलमा बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत की गई एक संकल्पना है जिसमें एक व्यक्ति कारोबार प्रचार करने वाले फोन और संदेश रोकने के लिए अपने फोन का विवरण पंजीकृत करा सकता है। इसका आंसर है सी, परेशान ना करें, जिसे डू नॉट डिस्टर्ब के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर में फाइल फोल्डर आदि के चित्रात्मक निरूपण को कहा जाता है? इसका आंसर है डी, आइकन। एक कंप्यूटर में फाइल फोल्डर आदि के चित्रात्मक निरूपण को आइकन कहा जाता है। आइकन एक छोटी सी तस्वीर है जो किसी प्रोग्राम फाइल या फोल्डर का प्रतिनिधित्व करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश ने पहली बार विधायिका में द्विसदनी व्यवस्था लागू की? इसका आंसर है ए, भारत सरकार अधिनियम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पौधे का पक्षाघात और मानसिक विकारों के इलाज के लिए प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर है ए, कुचला। कुचला एक उष्णकटिबंधीय वृक्ष है जिसका वैज्ञानिक नाम स्टेज नॉस नॉक्स वोमिका है। ये जहरीली प्रकृति का होता है, परंतु शोधन विधि द्वारा इसका औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयकर अधिनियम में देश एक प्रमाण पत्र है जो नियोक्ता अपने कर्मचारियों को देता है। ये प्रमाणित करता है कि ये नियोक्ता द्वारा कर्मचारी के वेतन से काटे गए कर की राशि प्रमाणित करता है। इसका आंसर है ए, फॉर्म 16। फॉर्म 16 एक सर्टिफिकेट है, इसे कंपनी अपने कर्मचारियों को जारी करती है। ये कर्मचारी की सैलरी से काटे गए TDS को प्रमाणित करता है। ये आयकर रिटर्न दाखिल करने में मदद करता है। इसका इस्तेमाल इनकम के सबूत की तरह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम चुनावों की मतदान प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति सही है? इसका आंसर है सी, ए और बी दोनों। आम चुनावों की मतदान प्रक्रिया के संदर्भ में चुनाव आयोग के अधिकारी ए यह सुनिश्चित करते हैं कि प्रत्येक मतदाता को 2 किलोमीटर के भीतर एक मतदान केंद्र मिले तथा किसी भी मतदान केंद्र को 1500 से अधिक मतदाताओं का भार न उठाना पड़े। यह था मूल विधि और संविधान का टेस्ट 1 घटना चक्र का। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।
जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुड बाय।